हेलो फ्रेंड्स, हाउ डू यू एंजल, मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 16 फीट बाई 32 फीट में ये प्लान बना हुआ है, जो कि 2 BHQ का 512 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 56 गज में ये प्लान बना हुआ है। इस हाउस डिजाइन से आप 450 स्क्वायर फीट तक आप आइडिया ले सकते हैं, जो कि छोटा घर है। बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है, 2 BHK में प्लान बना हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसके वेंटिलेशन डायमेंशन, इसकी कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 16 फीट होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 32 फीट होगी। ये हमारा 2 साइड आयरन का डोर प्रोवाइड किया, जो काफ़ी बड़ा आपका मेन गेट मिलेगा। अब इस मेन गेट की चौड़ाई की बात करें तो हमने 5 फीट का मेन गेट दिया। इस मेन गेट से एंट्री होती काफ़ी बड़ा आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। अब इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 5.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके बाइक्स वगैरह इजली पार्क हो जाएगा, प्लस अपना सेप्टिक टैंक या वाटर टैंक भी आप इस साइड बना पाएंगे, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। आप फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स प्रोवाइड किया, जो कि हमने बाहर से प्रोवाइड किया। अब स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 2.5 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 10.5 फीट की होगी। काफ़ी बड़ा आपको स्टेयर्स मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए होगा। फर्स्ट फ्लोर पर इसमें 2 बेडरूम का पोर्शन आने वाला है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर चाहें तो आप रेंट आउट भी कर पाएंगे। ये हमारा एंट्रेंस गेट होगा, जिसमें हमने 3 फीट का साइड से 2 गेट प्रोवाइड किया। इस गेट से एंट्री होती काफ़ी आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलेगा, ये काफ़ी आपको एरिया मिलेगा। अब इस एरिया की बात करें तो आपकी 11 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 9.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपकी डाइनिंग टेबल अलमीरा वगैरह इजली एडजस्ट हो जाएगा, गेस्ट वगैरह के साथ बिठा कर आप खाना वगैरह खा पाएंगे, सर्व कर पाएंगे। अब इस साइड से तो हमने ये वॉश मशीन का स्पेस भी प्रोवाइड किया, जिसमें आप अपना हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे। इसी के बराबर में हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे किचन का गेट होगा। इसमें हमने 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। अब इस गेट से एंट्री होती काफड़ा में किचन मिलेगा। अब इस किचन के एरिया की बात करें तो आपकी 5.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 7 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके स्लैब, चूल्हे, रैक्स वगैरह आपका इजली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस साइड से तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी लगाया, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी, जो कि सीसी अटैच एक आपको OTS मिलेगा। OTS की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 5.5 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 3 फीट की होगी। अब साइड से तो ठीक इसी के सामने हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे टॉयलेट स्लैश बाथरूम का गेट होगा। हमने इसमें 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। अब इस गेट से एंट्री होती काफड़ा आपको टॉयलेट स्लैश बाथरूम मिलेगा। ये हमारा टॉयलेट कंबाइन बाथरूम का गेट होगा। इस गेट से एंट्री होती काफड़ा आपको टॉयलेट स्लैश बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिया की बात करें तो आपकी 6.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 4 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके शावर्स, टॉयलेट शीट वगैरह आपका इजली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस साइड से तो देखे तो हमने वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ भी प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। ये हमारा OTS होगा। इस OTS की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 4 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 2.5 फीट की होगी। OTS के द्वारा हमने हॉल में भी विंडो प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन उसका होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम का गेट होगा, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम होगा। इसमें हमने 3 फीट का गेट प्रोवाइड किया। इस गेट से एंट्री होती काफ़ी हमारा मास्टर बेडरूम मिलेगा। अब इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डबल बेड्स, LCD वगैरह इजली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस साइड से तो हमने वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ भी प्रोवाइड किया है OTS के द्वारा, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अब इसी के सामने हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे सेकेंड बेडरूम का गेट होगा। उसमें भी हमने 3 फीट का गेट प्रोवाइड किया। इस गेट से एंट्री होती काफ़ी हमारा ये मास्टर बेडरूम मिलेगा। अब इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 10.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डबल बेड्स, टेबल्स, सोफे वगैरह इजली एडजस्ट हो जाएगा। गेस्ट वगैरह के साथ आप यहाँ पर बैठा वगैरह सकते हैं। अब इस प्लान की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 6 लाख में बनने वाला है, जो कि आप चाहे तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।